हाँ तो हम यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म का अभी थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो दो मैट्रिक्स बचे हैं, दो प्रॉब्लम्स बचे हैं, यूनिट करेंगे। तो हमने अभी देखा बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म एंड यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप लिमिट पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एक्स एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। एक्स एन मीन्स जिस सिग्नल का हमें जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है वो, और जेड टू द पावर माइनस एन फॉर्मूला में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें ये दिया हुआ है। ओके, वैसे फिर आपके यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म के लिए एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बस आप यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट में आप एन इज इक्वल्स टू जीरो से इनफिनाइट पुट करते हैं, फाइन। ओके, फिर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर ओ सी इन जेड ट्रांसफॉर्म। ओके ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज द आर ओ सी इज अ स्ट्रिंग और डिस्क इन जेड प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन। देखिए, आप अभी जो जेड ट्रांसफॉर्म में जो आप आर ओ सी फॉर्म करते हैं, तो आर ओ सी को जब आप लोकेट करेंगे तो इट विल बी अ रिंग, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, और सेंटर जो सेंट्रॉइड रहेगा वो ये ओरिजिन को ये सेंटर लेकर के वो ये रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, आर ओ सी के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द आर ओ सी के नॉट कंटेन एनी पोल्स। देखिए, आप जो जिस एरिया को आप आर ओ सी बताएंगे, आइदर इट वुड बी इनसाइड ऑफ दिस सर्कल या फिर इसके आउटसाइड वाला एरिया। ओके, तो दोनों जो भी वॉट एवर द एरिया रीजन विल बी फॉर आर ओ सी, तो वो जो आर ओ सी का रीजन रहेगा उसमें आपका कोई भी पोल कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। ओके, फिर इफ एक्स एन इज एन इनफिनाइट ड्यूरेशन कॉजल सिक्वेंस द आर ओ सी इज मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन अल्फा। देखिए, अगर आपके पास इनफिनाइट ड्यूरेशन कॉजल सिक्वेंस है, आप अगर उसका आर ओ सी उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं देन उसकी आर ओ सी निकालते हैं, तो उसकी आर ओ सी विल बी ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा मीन्स इट इज सम वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, फाइन। वैसे ही फिर फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन कॉजल सिक्वेंस के लिए जो आर ओ सी रहती है वो एंटायर जेड प्लेन होता है एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम प्रॉपर्टीज में देखने वाले, क्योंकि ये चीज़ें सारी अप्लाई होंगी हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एक्स एन इज एन इन्फिनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सिक्वेंस। देखिए, अभी क्या बोल रहे हैं, अगर इन्फिनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सिक्वेंस होगा सो इन दैट केस आर ओ सी विल बी मॉड ऑफ जेड लेस देन बीटा होगा, मीन्स बीटा विल बी सम वैल्यू, ठीक है। इट वुड बी गिवन योर न्यूमेरिकल इन योर सिक्वेंस। ओके, इफ एक्स एन इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सिक्वेंस, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सिक्वेंस है तो उस केस में क्या होगा, आपका आर ओ सी एंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जब आपका फाइनाइट ड्यूरेशन कॉजल सिक्वेंस था उस केस में आपका आर ओ सी क्या था, एंटायर जेड प्लेन था एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, फाइनाइट ड्यूरेशन कॉजल सिक्वेंस के लिए, फाइन। वैसे ही फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल के लिए क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो। ओके, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें ही हमें छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं इसके लिए, ठीक है। इफ एक्स एन इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिक्वेंस द आर ओ सी इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनाइट। अगर आपका फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिक्वेंस दिया होगा, इफ यू आर हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइड ऑफ सिक्वेंस, सो इन दैट केस योर आर ओ सी विल बी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो और जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट को छोड़ के बाकी पूरा रीजन आर ओ सी का होगा, ठीक है। इफ एक्स एन इज एन इनफिनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिक्वेंस आर ओ सी कंसिस्ट ऑफ अ रिंग इन द जेड प्लेन, ठीक है, बाउंडेड ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाय अ पोल नॉट कंटेनिंग एनी पोल। देखिए, यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, इफ़ यू आर हैविंग इनफिनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिक्वेंस, ठीक है, इनफिनाइट ड्यूरेशन का टू साइडेड सिक्वेंस अगर होता है सो उस केस में जो आपकी आर ओ सी रहेगी, और देखिए टू साइडेड सिक्वेंस आपको दिया है तो जो दोनों जो कंप्लीट आपका सिक्वेंस होगा उसका जो हम जो म्यूचुअल रीजन आएगा दैट विल बी योर आर ओ सी, ठीक है। द आर ओ सी ऑफ एन एल टी आई स्टेबल सिस्टम कंटेन्स द यूनिट सर्कल। द आर ओ सी मस्ट बी अ कनेक्टेड रीजन, इफ एक्स जेड इज रेशनल देन इट्स आर ओ मैम, सी। टू हाँ, साइडेड सीक्वेंस मतलब टू साइडेड सीक्वेंस मीन्स जैसे जैसे
हियर यू आर हैविंग, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ठीक है, एक्स एन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको जैसे दिया है ये हो गया ए टू द पावर एन यू ऑफ एन, ओके ये कौन सा सीक्वेंस हुआ, दिस इज योर कॉजल सीक्वेंस फाइन। वैसे ही फिर एक और सीक्वेंस में देती हूँ जैसे यू ऑफ माइनस एन ठीक है, तो यू ऑफ माइनस एन मीन्स दिस इज योर एंटी कॉजल सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या एंटी कॉजल मीन्स, ये कौन सा एरिया को कवर कर रहा है, ये वाले एरिया को, ये सीक्वेंस ठीक है, ये जो एंटी कॉजल सीक्वेंस है ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ योर प्लेन उस वो कवर करेगा। वैसे फिर आपका जो कॉजल सीक्वेंस है इट विल कवर योर राइट साइड ऑफ प्लेन ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट ये जो सीक्वेंस है इसने क्या किया, कंप्लीट दोनों एरिया को कवर कर लिया ना, तो इसलिए दिस इज योर टू साइडेड सीक्वेंस गेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज द आर ओ सी मस्ट बी अ कनेक्टेड रीजन इफ एक्स जेड इज रैशनल देन इट्स आर ओ सी इज बाउंडेड बाय पोल्स और एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी फाइन। एक्स एन इज इक्वल्स टू, इफ एक्स एन इज इक्वल्स टू डेल एन ठीक है, डिस्क्रीट इम्पल्स सिग्नल है, सो इट इज दी ओनली सिग्नल हुज आर ओ सी इज एंटायर जेड प्लेन। इफ यू आर हैविंग दिस सिक्वेंस डेल एन इम्पल्स सिक्वेंस, तो इम्पल्स सिक्वेंस की जो आर ओ सी होती है वो एंटायर जेड प्लेन होती है फाइन। हाँ तो हमारे पास आज ये प्रॉब्लम है जेड ट्रांसफॉर्म का, इसमें आपको आर ओ सी भी निकालना है और पोल जीरो लोकेशन भी निकालना है फाइन। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जेड ट्रांसफॉर्म के लिए वो हमने यहाँ पे लिखा ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है, हम क्या लिखते हैं, एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हम यहाँ पे ये लिमिट पुट करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा जो जो सीक्वेंस है जिसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है वो हम लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जेड टू द पावर माइनस एन से। ओके तो हमने यहाँ पे ये अपने सीक्वेंस लिख दिया है फाइन। अब हाँ ये जो सीक्वेंस पुट किया हुआ है, अच्छा देखिए यहाँ पे हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने अपने सीक्वेंस लिख दिए ठीक है। ओके अब हम क्या देखते हैं कि आप हमें जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, 3 × 5/7 का होल पावर एन यू एन, यू एन आ गया मतलब क्या, कॉजल सीक्वेंस हो गया फाइन। कॉजल सीक्वेंस हो गया मतलब ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, जीरो से इन्फिनाइट तक। ओके सेम आपका जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें भी ये यू एन दिया हुआ है, यू एन दिया हुआ मतलब आपका कॉजल सीक्वेंस हुआ जीरो से इन्फिनाइट। उसके बाद फिर इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में फिर इसका हमने लिमिट चेंज किया, क्योंकि ये तो सिर्फ जीरो से इन्फिनाइट के लिए डिफाइन है, तो फिर हमें माइनस इन्फिनिटी से जीरो का भी जो लिमिट है वो हमने यहाँ पे जो ऐड करके रखा है वो उसकी कोई, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, इसलिए फिर हमने क्या किया यहाँ पे फिर चेंज किया इसका लिमिट। तो बिकॉज ऑफ दिस सिक्वेंस, दिस कॉजल सिक्वेंस, इसकी जो लिमिट है वो क्या हो गई, जीरो से इन्फिनाइट हो गई फाइन। हाँ ओके उसके बाद फिर हम क्या करना है, अगेन यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक है, एन इज इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनाइट। ओके और हमने जो जीपी सीरीज पढ़ रखी है तो जीपी सीरीज का हमें पता है जीरो से इन्फिनाइट तक का जो सम रहता है, जो इन्फिनाइट सीरीज का सम रहता है उसका हमें फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं हम ठीक है। तो देखिए क्या किया यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, ये जो थ्री था कॉन्स्टेंट वैल्यू थी वो हमने कॉमन लिया यहाँ पे, फिर 5/7 n और z टू द पावर माइनस n अंदर लिखा, वैसे ही सेम यहाँ से ये दो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी वो हमने कॉमन लिया फाइन। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये जो जो सीक्वेंस हमें प्रोवाइड है तो 5/7 × z^-n ओके ये कंप्लीट लिखा और होल का पावर n कर दिया फाइन ठीक है। वैसे ही फिर ये भी हमने वही किया, −1/3 × z^-1 और होल का पावर n कर दिया। ओके अब यहाँ पे हम जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं इन्फिनाइट सीरीज का। ओके तो यहाँ पे जब हम जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो बताइए क्या है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला बताइए इन्फिनाइट, यहाँ पे फिर अप्लाई करके बताइए इसमें कि इसका इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में पुट करके बताइए यहाँ पे वैल्यूज क्या आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, हेलो अच्छा अब हमने क्या किया, ये इस स्टेप पे क्या किया, हमने जो
इनफिनाइट सीरीज का जो समेशन की फॉर्मूला वो यूज करके हमने फिर ये वैल्यूज के इनफिनाइट समेशन किया, देन वी गेट दिस वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे क्या रैशनलाइज किया है, ये एक्चुअली रैशनलाइज नहीं किया है, यहाँ पे क्या 1/3 इंटू जेड टू द पावर माइनस वन, मतलब 1/3 होल अपॉन जेड है, तो वो हमने वो जेड था वो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, वैसे फिर ये न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम इस टर्म के साथ भी होगा, यहाँ पे ये जेड आ गया, यहाँ पे ये जेड आ गया, ठीक है, फिर ये दोनों को साथ में ले लिया। ओके, अब फिर फाइनली हमें ये ट्रांसफर फंक्शन मिला। ओके, और क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको इसमें पोल जीरो भी लोकेट करना है, आरओसी बताना है, साथ ही साथ आपको पोल जीरो भी लोकेट करना है, फाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीक्वेंस का आरओसी देखते हैं, इसका देखते हैं आरओसी पहले, फिर इसका देखेंगे, ठीक है। तो इसका आरओसी क्या होगा, मॉड ऑफ जेड वुड बी ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, साइन कौन सा होगा बताओ, कॉजल सीक्वेंस है तो साइन कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। अरे कॉजल सीक्वेंस के लिए हम ग्रेटर देन का साइन लेते हैं ना आरओसी के लिए, ठीक है। तो कॉजल सीक्वेंस के लिए आरओसी का जो साइन लेते हैं, मॉड ऑफ जेड लिखा आपने यहाँ पे, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लिया, ओके, बिकॉज दिस इज योर कॉजल सीक्वेंस। ओके, तो ग्रेटर देन फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे किससे बड़ा होगा आरओसी, ये देख के बताइए, यहीं पे ही दिया हुआ है उसका आंसर, 5/7 में, गुड, 5/7 होगा, ठीक है। वैसे ही फिर बताओ इस टर्म का आरओसी बताओ, ये वाले टर्म का आरओसी बताओ क्या होगा, 1/3, कंप्लीट बोलो, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा है वैसे यहाँ पे भी बताइए कंप्लीट, जेड ग्रेटर देन -1/3, हाँ जेड ग्रेटर देन हो जाएगा -1/3। ओके, अच्छा, अब इस दोनों सीक्वेंस से आपको अलग अलग आर ओ सी मिल गई, ठीक है, बट हमें ये कंप्लीट सीक्वेंस के लिए आर ओ सी बताना है कि क्या होगा इस कंप्लीट सीक्वेंस का आर ओ सी। तो बताइए कंप्लीट सीक्वेंस का आर ओ सी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये मॉड जेड ग्रेटर देन -1/3 भी बोल रहा है और यहाँ पे जेड ग्रेटर देन सॉरी +5/7 भी बोल रहा है, तो कॉमन आर ओ सी क्या आना चाहिए, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बीच में कैसे आएगा। अब देखो ये तुम्हारा नंबर लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, 5/7 सॉरी -1/3 है ना एक, तो वो -1/3 कहाँ, यहाँ पे आएगा, फाइन, यहाँ पे आएगा, और दूसरा है आपका 5/7 है, तो 5/7 इधर कहीं पे आएगा, यहाँ पे आ गया सपोज 5/7, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है या पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ पे वही वही केस है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे a बड़ा है 2 से बोल रहे हो, ठीक है, और आप ये भी बोल रहे हो कि a बड़ा है -1 से बोल रहे हो, तो इस केस में कौन सा वाला डोमिनेंट करेगा, ये डोमिनेंट करेगा ना, जैसे जैसे किसी का एज 5 ईयर है, फाइन, एक तीन बच्चे हैं, एक का एज 5 ईयर है, ओके, नहीं छोड़ो ये, मैं समझ गया, डोमिनेंट वही होगा, यस यस, इसलिए जो आरओसी आएगा इसका, जो कंप्लीट जो आरओसी आएगा वो ये वाला हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 5/7 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अरे ओके, तो यहाँ से फिर हमारा कॉमन आरओसी जो है वो आ गया मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 5/7। ओके, और फिर हमें यहाँ पे पोल्स एंड जीरोस भी लोकेट करना है, तो पोल्स एंड जीरो लोकेट करना है, तो हम नॉर्मली अपन क्या करेंगे, जो आरओसी वाला हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि सर्कल की आउटसाइड वाला जो रीजन है दैट इज आरओसी। ओके ओके, तो फिर हम यहाँ पे पोल्स एंड जीरो लोकेट करेंगे, तो जीरो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, जीरो एक है, जीरो पे ही अवेलेबल है, और सेकंड जीरो जो है वो 3/35 पे है, तो ये देखिए जीरो को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, डॉट से, और पोल्स को क्रॉस से,
तो ये जो ओरिजिन और ये 3/35, यहाँ पे हमें दो जीरोस मिले हमारे, और जो दो पोल्स है वो अवेलेबल है आपके -1/3 और 5/7 पे, तो वो हमने क्रॉस से इनको लोकेट किया है, फाइन। और जो आर ओ सी रहेगी वो कौन सा रीजन है, ये ग्रेटर ये बाहर वाला रीजन, आउटसाइड वाला रीजन है, ठीक है, आर ओ सी, ठीक है, यहाँ पे ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, फाइन। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझा सबको?